नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। चीपा बड़ौत पुलिस ने जहर देकर काटा गला काटने वाले आरोपी दोस्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि दिनांक 24 जुलाई 2021 को टेरी मोबाइल थाना अधिकारी रामस्वरूप उप निरीक्षक साधनाथ चीपा बड़ौत को सूचना मिली कि बाबा जी खो के पास जंगल में एक व्यक्ति का गला कटा हुआ है तथा सिर से खून बह रहा है, जो गंभीर हालत में खून से लथपथ बाबा जी की खो में पड़ा है, जिसको एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया गया है। सूचना पर थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा में जब्ते के साथ CSC छिपा बड़ौत पहुँच कर घायल व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो पता चला कि घायल व्यक्ति विपिन उर्फ रामस्वरूप पुत्र शंभुनाथ जाति नाथ निवासी फलिया थाना छिपा बड़ौत है। CSC छिपा बड़ौत पर घायल विपिन के पिता शंभुनाथ ने एक तहरीर रिपोर्ट पर आशय पेश किया कि दिनांक 24 जुलाई 2021 को करीब सुबह के 10-11 बजे की बात है कि मैं घर पर था। मेरा लड़का विपिन फलिया में मजदूरी का कार्य करता है। मेरा लड़का फलिया से अपने खेत पर सोयाबीन देखने के लिए खेड़ी में आया हुआ था। ग्राम फलिया का सोनू मेरे लड़के विपिन को बुला कर ले गया। उसके साथ दो व्यक्ति और थे, जिन्होंने मेरे लड़के के साथ जान से मारने की नियत से चाकू से मारपीट की। घटना के संबंध में मेरे बेटे विपिन से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन विपिन ने गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ भी बताने में सक्षम नहीं था। CSC छिपा बड़ौत से इलाज हेतु विपिन को बड़ा रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 253/2021 धारा 341, 323, 307, 34 बादी में दर्ज कर त्वरित अनुसंधान शुरू करने के दौरान इलाज जयपुर भर्ती पीड़ित विपिन के जयपुर जाकर अनुसंधान किया गया। घटना का खुलासा के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल द्वारा घटना को गंभीरता से देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के निकटतम सुपरविजन में सहायक पुलिस अधीक्षक उमेंद्र सिंह के दिशा निर्देशन में रामस्वरूप थानाधिकारी के नेतृत्व में थाना स्तर पर अलग अलग टीमें गठित की गयी। गठित टीमों के द्वारा विशेष पुंक्तियों से प्राप्त सूचना, कस्बा छिपा बड़ौत में लगे CCTV फुटेज में सूक्ष्म निरीक्षण व विश्लेषण एवं तकनीकी सहयोग से यह तथ्य सामने आया कि सोनू उर्फ सुनील योगी निवासी फलिया ने विपिन के साथ मोटरसाइकिल लूटने के लिए दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित विपिन का जयपुर मरणासन हालत में इलाज चल रहा है। इस बात की खबर मुलजिमान को मिलने पर मुलजिमान जिला 12 से फिराक में था, परंतु पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी सोनू उर्फ सुनील पुत्र सूरजमल जाति योगी उम्र 22 साल निवासी फलिया थाना छिपा बड़ौत को गिरफ्तार कर लिया और दो सहयोगी मुलजिमान को बापरदा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमान से लूटी बाइक, वारदात में प्रयुक्त चाकू व अन्य वारदातों के संबंध में गहन अनुसंधान जारी है। छिपा बड़ौत थाना क्षेत्र में 24 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति लवलवान अवस्था में पुलिस को मिला। उस सूचना पर पुलिस ने जब उससे इंटोगेशन और वो जब घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी साथ में एक उसके परिचित ने चाकू मारकर उसको घायल किया और उसकी मोटरसाइकिल लूट कर ले गए। इस घटना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी है और उसके जो साथी हैं, दो जने, उनको आज पापड़दा गिरफ्तार किया है। लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। घायल आदमी का जयपुर में उपचार चल रहा है, उसकी स्थिति ठीक है। R9 भारत के लिए कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।